मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्या आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? आज हमारा चैप्टर भी यही है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। Things that can grow, breathe, eat and drink, have emotions, move and die are called living things. Means कि जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, चल सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, यहाँ तक कि मर सकती हैं, वो बच्चों क्या कहलाती हैं? Living things. For example, human, animal, plant, etc. पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग के बारे में। थिंग दैट कैन नॉट ग्रो, ब्रीथ, ईट एंड ड्रिंक, हैव इमोशंस, मूव एंड डाई आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जिन जो सांस नहीं ले सकते, जो चल नहीं सकते, जिनके पास फीलिंग्स नहीं होती, यहाँ तक कि जो मर नहीं सकते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, बुक, पैन एक्सेट्रा। क्या चेयर चल सकती है, खा सकती है, पी सकती है? नहीं ना, तो इसलिए वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो चीज़ें चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, फील नहीं कर सकती, वो सब कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग। ये तो मैंने आपको दोनों की डेफिनेशंस बताई हैं। अब मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगी, दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? इसको कुछ पॉइंट्स के साथ क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मूवमेंट्स। बच्चों, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सभी मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी ग्रो करते हैं, कुछ धीरे करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, बट वो ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रीथ, मतलब सांस लेना। तो बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को सांस लेने की ज़रूरत होती है, और वो बिना सांस लिए नहीं जी सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की नीड नहीं होती है। हमारा लास्ट पॉइंट है डेथ। स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबकी डेथ होती है एक एज के अकॉर्डिंग, बट नॉन लिविंग थिंग्स की डेथ नहीं होती है। तो स्टूडेंट, आई होप मैंने आज आपको पढ़ाया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में क्या क्या अंतर है, जितना भी समझाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा।